1:20 पर बिलासपुर से भगत की कोठी जाने वाली गाड़ी क्रमांक 20843 का कोच S3 के चार पहिए गुदमा और गोंदिया के मध्य पटरी से उतर गए। जानकारी मिलते ही दुर्घटना रिलीफ ट्रेन करीब 1:35 पर घटनास्थल पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू हुआ। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना से 2 यात्री अंशु F31 और राजेश कुमार को मामूली चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रवाना किया गया। 20843 यह गाड़ी घटनास्थल से 5:45 पर रवाना हुई। एक यात्री निशान झा को एंजाइटी के कारण KTS हॉस्पिटल गोंदिया में भर्ती किया गया। DRM सीनियर DCM और अन्य अधिकारीगण तुरंत घटनास्थल पहुंचकर उनके द्वारा निरीक्षण व घटनास्थल का अवलोकन किया जा रहा है। मी डॉक्टर घोरपडे अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय गोंदिया। गोंदियाच्या जवळ नागपूर मार्गाकडे जाणारी जी ट्रेन होती तिचा जो डिरेल झालेला आहे तो त्याच्यातील एक जवळपास 8 रुग्ण आपल्याकडे आलेले होते आणि त्यापैकी साधारणतः 7 लोकांना काही जास्त गंभीर इजा नव्हती, मायनर इंजुरीज होत्या, परंतु त्यांच्या आवश्यक त्या तपासण्या करण्यात आल्या। त्यासोबतच एका रुग्णांना त्यांना थोडा हार्टचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपण त्यांचं बाकीच्या गोष्टी पण तपासण्या करतो आहे, त्याच्यामुळे त्यांना आपल्या इथे ॲडमिट करून घेतो आहे। बाकीच्यांना त्यांच्या विनंतीवरून त्यांना त्यांच्या सोबत पाठवून देण्यात आलं। नाही देखिए असं आहे की ये ऑटोमॅटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम आहे यहाँ पे और इस सिस्टम में एक के पीछे एक ट्रेनें चलती हैं, उसके बीच में 2 सिग्नल होते हैं और एक के पीछे एक सिग्नल के हिसाब से सिग्नल का आस्पेक्ट बदलता है। जैसे एक अगर आगे ट्रेन अगर है तो पीछे वाला सिग्नल लाल होता है। अब रूल ये कहता है कि अगर पीछे वाला सिग्नल लाल है तो वो किसी भी कारणवश हो सकता है, तो अगर वो लाल है तो 2 मिनट रात में उसको रुकना है ड्राइवर को और कॉशियसली कंट्रोल स्पीड से आगे के सिग्नल तक जाना है जब तक उसको आगे का सिग्नल ना दिख जाए या शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन रुकना है। तो इस केस में भी आगे एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी और पीछे भगत की कोठी ट्रेन आई और उस ट्रेन ने एक बार रुका 2 मिनट, 2 मिनट रुकने के बाद वो ड्राइवर चले और चलने के बाद वो फुल जब तक वो फुल कंट्रोल करते इट द इंजन जो है वो ब्रेक पैन से डैश किया। इंजर्ड एक्चुअली में कोई भी ग्रीवस इंजरी नहीं है और कोई भी इसमें सिंपल इंजरी भी नहीं है, जो हमारा मैनुअल कहता है कि जिससे एक 48 आवर्स अगर इनकैपेसिटेट कोई हो जाए वो भी कोई केस नहीं है। सिर्फ माइनर इंजरीज हैं 2 और उनको हमने ARME एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन यहाँ लेके आके उसमें उपचार किया और 1 पैसेंजर ऐसे हैं जिनको हार्ट की इशू पुराना है और वो उनको एंग्जाइटी थी तो उनको यहाँ के लोकल हॉस्पिटल गोंदिया में भर्ती कराया। रायपुर से चले थे, खाना खा के सो गए क्योंकि ट्रेन वैसे भी 1.5-2 घंटे लेट थी। हाँ ठीक है। सोने के बाद जहाँ जिस स्पॉट पे ये घटना हुई उस पर सोते हुए बस अचानक से एक बड़ी तेज़ आवाज़ आई, ट्रेन थोड़ी हिली और बड़ी तेज़ आवाज़ आई। अच्छा। और वो आवाज़ के साथ हम नीचे गिर गए। हमने जो थी एक लेडी थी उनके सिर से खून बह रहा है और मेरा कोच था अपना AC एक्स्ट्रा कोच, करीब 1:45 के आसपास की बात है। और वहाँ एक डब्बा भी वही है क्या? अभी स्टेटस क्या है मुझे तो नहीं मालूम। हमारी आपका नाम क्या है? निशांत। पूरा नाम कहाँ है? निशांत झा, रायपुर से। ठीक है। गोंदिया से 5 किलोमीटर पहले बैठे थे आराम से, अचानक मतलब धक्की का आवाज आया। मैं सोया हुआ था अचानक गिरा तो मेरे यहाँ पे चोट लगा, चेस्ट में भी लगा, पैर में भी लगा। मेरे बोगी में बहुत लोग थे, 7-8 लोग थे। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई बोगियों में बैठे हुए लोगों को, 70-80 लोगों को जो है किसी का सिर में चोट लगा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का कुछ हुआ है। इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और इसके लिए जो है कोई अच्छी व्यवस्था नहीं रही है रेलवे की ओर से। और सुबह 5 बजे के आसपास जो है गोंदिया लाया गया, गोंदिया से गोंदिया के पहले 7 किलोमीटर पहले जो यह घटना घटी है, जबकि हम लोगों को ये बताया गया कि गोंदिया जंक्शन में जाने के बाद वहाँ पर 3 घंटा गाड़ी रुकेगी और यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपके लिए यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई? मेडिकल की जी, गाड़ी में पानी भी नहीं है। उनका व्यवहार जो है आ रहा है
इस टाइप का बातें बोल करके 3 घंटा निकाल दिए, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस 20843 का रात 1:20 में गोंदिया गुदमा स्टेशन के बीच में ड्रेलमेंट हुआ। इसमें एक बॉगी के 2 व्हील ड्रेल हुए, जिसमें की 2 पैसेंजर्स को मामूली चोट आई, जिनका इलाज गोंदिया में किया गया और उसी ट्रेन से आगे की ओर उन्हें रवाना कर दिया गया। बाकी किसी पैसेंजर्स को कोई चोट नहीं आई। हमारे डॉक्टर साहब मौजूद थे, एआरएमई वहां पर थी और उन्हीं में उनका इलाज किया गया, जो कि मामूली चोटें थी। कुछ चैनल में चलाए जा रहे हैं कि 50 लोगों को इसमें घायल हुए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ और बिल्कुल भ्रामक है और इस तरह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। और इस बारे में इसके जो ड्रेलमेंट हुए हैं उस बारे में कुछ चैनल कह रहे हैं कि सिग्नल फेल होने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन यह कहना बहुत ही जल्दीबाजी है। जब तक कोई जांच नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यही जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।